So cold. Let's start. A very good evening to all three of you. Thank you. हमने बात की थी टाइगर से एंड ही सेड कि लाइक ऑल द क्रेडिट गोज टू यू फॉर दिस. हकीकत है ना, ऑब्वियसली ही बी मॉडेस्ट एंड से टाइगर का बिफोर वी इवन हैड अ स्क्रिप्ट. मुझे याद है अहमद सर ने मुझे वो हेलीकॉप्टर सीक्वेंस पूरा नरेट कर दिया. तो यू नो ही वाज सो क्लियर व्हाट ही वांटेड इन टर्म्स ऑफ एक्शन. एटलीस्ट द विजुअल्स एंड ऑल दैट यू सी हियर, दिस वाज ऑलरेडी इन हिज माइंड बिफोर वी इवन हैड अ स्क्रिप्ट इन प्लेस. सो यू नो दैट्स व्हाई आई क्रेडिट ऑल टू हिम. बचपन से ये बहुत टैलेंटेड और मतलब पोटेंशियल है. यू डिफाइन हाउ यू थॉट ऑफ दिस विजन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा ही कहता हूँ कि व्हेन यू हैव सर्टन एक्टर्स उसके हिसाब से आप सोचते हो कि हम ये फिल्म बनाएंगे और ये करेंगे. मेरे पास दो चीज़ थी, बागी एंड टाइगर श्रॉफ. तो विद टाइगर एडवांटेज इज दैट आपको सिर्फ सोचना है, यू हैव टू जस्ट थिंक कि ऐसा करना है एंड यू हैव टू आस्क हिम ऑल्सो. तो मैंने वो सब चीज़ सोच ली जो एक बचपन में हम सोचते थे ना, ऐसा करेंगे, यहाँ से छलांग मार लेंगे, चॉपर गिरा देंगे. तो वो सब सोचा एंड टाइगर वॉज द बॉय हु मैं अगर कहता था कि टाइगर वी नीड टू डू दिस, ही सेज कैन वी डू देयर. तो दैट वॉज द मोस्ट एनकरेजिंग थिंग. एंड देन स्काई वॉज द लिमिट व्हेन यू हैव साजिद नडरवाला एज अ प्रोड्यूसर. एंड बागी टू बन रही है, वन से थोड़ा सा हमें ज़्यादा मेहनत करके एक्शन को स्केल पे ले जाना था. टाइगर हैड टू बल्क अप मोर, ही हैड टू गिव अप हिज हेयर विच ही लव द मोस्ट. And there he is, a refined Tiger Shroff in front of us doing action. आपने बड़ा नोटिस किया हो सर? अरे मैं उस टाइम पे लुकआउट में था ना सर, तो इसलिए मुझे थोड़ा छुपा के रखना था. तो चालू होते तो फिर वो कहाँ? नहीं नहीं प्लीज. That you'll see in the film. How do you know she doesn't have action in the film? To see the film. So you were जी हकीकत ये है कि उनको हमेशा मतलब थोड़ा अलग रखता मैं प्रोफेशनल लाइफ से, खासकर क्योंकि आई डू सच डेंजरस थिंग्स ऑन स्क्रीन. तो आई डोंट टेल हिम द नाइट बिफोर यू नो दैट आई एम डूइंग अ डेंजरस एक्शन सीक्वेंस. आई थिंक नेचुरली मेरे पापा है तो ऑब्वियसली थोड़ा टेंशन तो लेंगे. वैसे तो बहुत बिंदास किस्म का इंसान है, इस मामले में थोड़ा मतलब घबराहट है. बागी टू में ऐसे कई सिचुएशंस हैं. एक फॉर एग्जांपल क्योंकि ट्रेलर में है, सो आई टॉक अबाउट दैट वन. हेलीकॉप्टर सीक्वेंस जो है वो जंप करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रहा, क्योंकि यू नो देयर वर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर देयर such as वो एक तो वो फैन का जो फॉल्स था, we used a very you know the army choppers in Thailand, it's a very powerful chopper. Noise pollution, noise बहुत ज़्यादा था और वो फोर्स बहुत ज़्यादा था. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दोज टू फैक्टर्स प्लस डस्ट में आँख में आ रहा था. तो when I used to run, I used to get dust particles hitting me. Also when I used to take a leak, you know, I could feel the pressure on that. तो कभी कभी ये आता था दिमाग में यार, what if it pushes me too much, I might miss the chopper. एंड द वर्स्ट थिंग वॉज जहाँ टाइगर खड़े थे हमारे पास 10 या 12 कैमराज थे. एंड एक बार जब वो चॉपर आते थे यू कांट हियर एनी थिंग. माइक वी हैड 4 माइक्स, ऐसे चिल्लाते थे टाइगर काट बट ही इज टू नॉट बी एबल टू हियर इट. एंड हमें इतना स्ट्रेस होता था कि वो चॉपर करेक्ट खड़ा है कि नहीं, डिस्टेंस करेक्ट. कितनी बार चॉपर वाले अंदर से हमको बोलते थे नो, बट ही कांट हियर अस.
सो इट वॉज वेरी स्केरी. एंड वो प्रपेलर्स जो थे चॉपर के, वो थे आर्मी चॉपर्स. सो एक घट 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 होता है, ये धड़ 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 ऐसे आते थे. एंड इट वॉज सो स्केरी दैट एंटायर थिंग. मैं खाली प्रे करता था कि कब जल्दी ख़त्म हो जाए एंड वी गेट डन विद दिस जम्प. एंड दिस बॉय जस्ट नॉट बिकॉज ही इज द हीरो ऑफ द फिल्म और ही इज सिटिंग विथ मी, बिल्कुल भी एक बार भी घूम के ये नहीं, यार गाइज यू आर नॉट रेडी, जो आमतौर में हो जाता है. वी यूज टू से यूज टू जाम रन एंड यूज टू टर्न अराउंड एंड सी एंड वी यूज टू से इट वॉज अ कट, यूज टू से ओके. और वो पत्ते उड़ना जो कह रहे हैं लगना, वाकई में हम 100 feet दूर थे एंड वी यूज टू फील दैट ट्रेमर एंड ही वॉज लाइक 20-30 feet अवे. तो दैट वॉज स्कैरी. एंड एक था वेन एक ड्रोन शॉट चाहिए था हमें, और हमारी ख्वाहिश टेक्टिशियंस की कभी ख़त्म होती नहीं, ये खुद पहाड़ पे चढ़ रहे पानी के बीच में एंड द ड्रोन हैड टू जस्ट कम क्लोज टू हिम. वो ड्रोन नज़दीक आया एंड इट लॉस्ट फ्रीक्वेंसी एंड इट जस्ट वेंट ऑन टाइगर्स फेस एंड टाइगर का बैक था. लकीली ही टर्न और उन्होंने डक किया. आई मीन आई एम टेलिंग यू, उस वक्त टाइगर टुक 15 minutes ऑफ एंड ही सेड रेडी फॉर द नेक्स्ट शॉट. आई नो इट कि अगर मैं होता तो उस दिन के लिए आई वुड हैव गॉट कोल्ड फीट. सो ऑल दीज थिंग्स हुई हैं बागी 2 में. एंड आप देखेंगे एक्शन में द वे इट्स गॉन, दैट्स व्हाई ये हमने कट रखा था टू शो हिज रियल साइड. एक सवाल और, जिस तरह से आपने फील किया इस फिल्म के लिए, क्या रैम्बो की फिल्म या सिल्वेस्टर स्टैलोन कोई रेफरेंस पॉइंट था इस फिल्म के एक्शन के लिए, और जो आपने बॉडी बनाई है उनकी फिल्मों से कोई रेफरेंस लिया है एक्शन के मामले में? आई थिंक बिल्कुल. और मेरा जो किरदार जो मैं निभा रहा हूँ इस मूवी में रिक्वायर्ड मी टू लुक अ सर्टेन वे, यू नो, दो टाइमलाइंस के साथ खेल रहे, तो उस हिसाब से मुझे अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ा. देयर इज अ सेक्शन वेयर आई हैव टू लुक लिटिल मोर मैच्योर, तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट अहमद सर का रिक्वायरमेंट था कि आई पुट ऑन लिटिल मसल फॉर सर्टेन सीक्वेंसेस. This was the same movie in which you got hurt while rehearsing for a dance. You were injured, na? Sprain hua tha. Oh, the ankle. Yeah. Thoda elaborate karo. Elaborate? Usne khadi thi. Actually, my ankle is pretty weak, or already mere 3 fractures ho chuke hain ankle mein, and even if my ankle goes a little off, ya kuch bhi hota hai, ya fir maine हल्का भी कुछ ऐसा किया जिससे मेरा एंकल मुड़ गया, तुरंत इट ब्रेक्स. दैट्स इट. या आई हैव दीज 2 supports सिटिंग नेक्स्ट टू मी. ऑल ऑफ देम हैव बीन वेरी सपोर्टिव एंड इट्स अ ग्रेट फिल्म एंड वी हैड अ ग्रेट टीम. बिकॉज ये सब अचीव करने के लिए आई थिंक यू रिक्वायर लॉट ऑफ पीपल एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्किंग पीपल. आप 30 मार्च को देखेंगे. बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस बिकॉज हम लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड वी शेयर दिस गुड बॉन्ड. एंड हमने एक्चुअली सोचा था स्टार्टिंग में काफ़ी फ़नी होगा बिकॉज इमेजिन आपके साथ कोई फ्रेंड है जो आपके साथ कुछ सीन कर रहा है जहाँ आप रो रहे हो या कोई फ़नी फेस बना रहे हो, यू ऑलवेज एक्सपेक्ट योर को-स्टार टू लाफ एट यू, मतलब को-स्टार कम फ्रेंड. बट लकीली अहमद सर थे एंड हम लोगों ने पहले से सारी वर्कशॉप करके रखी हुई थी, तो हम लोग ऑन सेट जाते थे लिटरली 1 या 2 take लेते थे मैक्स फॉर एनी सीन. हाँ, इमेजिन 1 or 2 take डन. सो अहमद सर का खौफ था हमारे ऊपर, तो हम लोग जल्दी जल्दी बस सारे सीन निपटाते थे कि अहमद सर गुस्सा ना हो जाए. सो आई वर्क विद जैकी सर, जैकी चैन, एंड आई वर्क विद टाइगर. दोनों बहुत हंग्री है, और जैसे कि सर ने बोला कि यू नो टाइगर बोलता था यहाँ से नहीं यहाँ से जंप करूँगा, इट्स सेम लाइक जैकी चैन. जैकी सर का भी क्या, नहीं ये इतना तो मैं दिखा चुका हूँ, मुझे और दिखाना होगा, मुझे और कुछ रिस्की करना पड़ेगा. तो आई थिंक इन दैट वे दे रियली यू नो एक मुझे वो एक सिमिलैरिटी दिखता है. और दोनों बहुत हार्ड वर्किंग है, दोनों बहुत पैशनेट है, और दोनों एक्शन में ऑसम है. दोनों के पैर बहुत अच्छे हैं.
बहुत सारी जोड़ी, मैं तो चाहूंगा कि इट शुड बी द जोड़ी ऑफ ऋषि कपूर नीतू कपूर, इट शुड बी गोविंदा करिश्मा, इट शुड बी अमित जी रेखा जी, इट शुड बी शाहरुख खान काजोल, इट शुड बी दीपिका रणबीर, इट शुड बी टाइगर दिशा. सो मैंने काफ़ी जनरेशन देखी हैं एंड जस्ट वही मैंने पहले भी कहा था कि जब फ्रेंड्स होते हैं दे आर फ्रेंड्स, बट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दिशा आई कैन से इन दिस फिल्म, कि जेन्युइनली कि कैसे हम लोग लगता था चलो दिशा नहीं है स्वीट है, बट व्हेन शी टू कम ऑन द सेट बहुत झलकियाँ मुझे इनमें लगती थी श्रीदेवी जी की, कि वो कट ऑफ एंड इन सीन में आती हैं और कट होता था तो हंसने लग जाती थी एंड मैं बहुत चिढ़ता था एंड आई सेड दिशा स्टे इन द सीन, दिशा स्टे इन द सीन. शी सेड सर आई एम मेंटली इन द सीन. मैं बोला बट फेस पे तो नहीं दिख रहा है, यू आर लाफिंग, ओके रोल कैमरा, ठक से शी टू स्टार्ट क्राइंग. सो दिस आई सेड यार ये जो बोलते हैं ना बच्चे के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो आई कुड सी अ रोनाल्डो कि फुटबॉल प्लेयर बड़ा बनेगा, तो दिशा इज दैट. एंड उसके बाद वी स्टार्टेड हैविंग फन कि इंस्टेंटली कट हुआ, अच्छा दिशा इसमें स्टॉप क्राइंग, शी शुड स्टॉप क्राइंग, अच्छा दिशा इसमें थोड़ा ज़्यादा रोल हो ज़्यादा. तो आई एम सेइंग कि वो जो प्रोफेशनलिज्म आई लर्न फ्रॉम दिशा इन दिस, आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, मैंने उस टाइम नहीं कहा नहीं तो शी वुड टेक इट फॉर ग्रांटेड, हंसते रहो. एंड टाइगर ऑन द अदर हैंड इज ही कम्स फ्रॉम होम विद आज का काम, ही कम्स लाइक दिस एंड व्हेन ही टिल ही रीचेस द सेट ही इज ग्रोन ओवर दैट वर्क. इज अ सर इससे बड़ा करें कर तो लेते हैं. सो विद हिम इट इज स्टूपिड टू से कि यार सोच के आता है लेकिन यार सेट पे वो करके भी दिखा देता है. तो दैट इज के यार ये दोनों से दैट्स व्हाई सेट इतना मुतासिर हुआ हूँ मैं इन टर्म्स ऑफ सीइंग देयर वर्क ऑन सेट के दे आर थॉरा प्रोफेशनल्स. बट यू हैव टू नो दैट ही इज अ वेरी गुड एक्टर एंड द बेस्ट थिंग अभी कुछ समझ भी नहीं आया तो डायरेक्टली सर से पूछो सर ये सीन में आपको क्या चाहिए. He will act it out and मेरा पार्ट भी, टाइगर का पार्ट भी, कोई और है उसका पार्ट भी, तो चारों लोगों की एक्टिंग करके दिखा देंगे कि ऐसा नहीं करना इतना गंदा हो रहा है. एंड ये फिल्म में जैसे दिशा का किस मैं देखो एक फिल्म होती है, एक फिल्म होती है बागी टू हम बना रहे हैं, टाइगर इज डूइंग ब्रिलियंट एक्शन, चलो ग्रेट USP, बागी टू सीक्वल ग्रेट USP, साजिद नडियाडवाला कमिंग विथ ऑल द बेस्ट एज अ प्रोड्यूसर ही कैन गिव अस. बट इस फिल्म की दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कहानी और वो कहानी है लड़की की और वो लड़की है दिशा. सो वेन यू विल सी द फिल्म आपको लगेगा कि एक्चुअली ये कहानी है फिल्म में और ये पिक्चर कुछ कह रही है एंड इट इज द स्टोरी ऑफ दिस गर्ल नेहा एंड शी ड्राइव्स द फिल्म. सो आपने मैन मैन देखा, एक्शन देखा, सब देखा, बट इसके पीछे You will find the softness of a girl and her story jo hai is actually Disha. दिशा का स्टंट जैसा कुछ है नहीं फिल्म में, बट एक एक्शन है जिसमें दिशा इज एक्चुअली अ गर्ल. वो कुछ ऐसा नहीं कर रही है कि मैं भी मार सकती हूँ और बदला ले सकती हूँ. यू रियली फील फॉर हर उस एक्शन में और उस फिल्म की कहानी वो है. वहाँ से वो बीज उगती है और ख़त्म होती है टाइगर श्रॉफ बर्निंग डाउन द एंटायर जंगल. तो वो पहली लड़ाई से फिल्म की कहानी शुरू होती है और आखिर में उसे रॉनी ख़त्म करते हैं. सो ऐसा कुछ है नहीं कि यू कैन सी ग्रेट एक्शन फॉर दिशा. इतनी प्रिटी ब्यूटीफुल, मैं तो कहता हूँ कि ये वैक्यूम हो गया था, स्लेंडर टॉल ब्यूटीफुल गर्ल्स एज हीरोइंस एंड देयर वी हैव गॉट यू एंड प्लीज एक्सेप्ट व्हाट एवर शी इज डन बिकॉज यू विल लव इट. सी टाइगर इज जब ये करते हैं एक्शन वो दिखता है बहुत तूफानी धुआंधार, बट ही इज अ वेरी केयरफुल बॉय व्हेन इट कम्स टू पीपल अराउंड हिम.
तो उनकी खुद की टीम है, विक्रम, नदीम, कुलदीप, ये सब जो लड़के हैं, भाविन, ये सब आते हैं एंड दे ऑल आर ऑल द टाइम अराउंड हिम एंड वो सब सिक्योरिटी देख लेते हैं एंड व्हेन ही डज इट ही डजंट स्टॉप. आई कॉल हिम अ रेजिंग बुल. व्हेन ही गोज फॉर इट ना, तो टाइगर श्रॉफ कैन गो थ्रू अ वॉल. बट देर आर सर्टन एक्टर्स हु कैन डैमेज यू नो फाइटर्स, बट ही इज अ पर्सन वो 10 बार रिहर्सल करेंगे एंड देखेंगे कि फाइटर को टच भी नहीं करते हम. तो ही इज़ वेरी केयरफुल अबाउट दैट. तो सेट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जब एक हीरो मारता है फाइटर को तो फाइटर को मार हीरो से ही लगती है. तो जब हीरो ही केयरफुल है, सो आई डोंट थिंक बाकी लोगों को इतना रिस्क होता है. ऑफकोर्स वी हैड अ सेफ्टी मेजर्स, वी हैड एन एम्बुलेंस ऑन द सेट, वी हैड अ डॉक्टर ऑन द सेट. प्रतीक बब्बर को चोट भी लगी थी फर्स्ट एक्शन में ही एंड टाइगर ऑल्सो रियली हेल्प हिम एंड गाइडेड हिम के आइसिंग करो, ये करो. देन इट वॉज दैट वॉज देयर. बट आई वुड लाइक टाइगर टू से दैट हाउ डू यू डू योर एक्शन विद सेफ्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू पुट आउट अ मैसेज खासकर सारे बच्चों के लिए, क्योंकि दे यू नो दे रियली यू नो लुक अप टू द स्टफ आई डू. सो आई वांट टू टेल देम दैट ऑल ऑफ दिस इज डन अंडर सुपरविजन, सेफ्टी एंड थॉरली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स. सो प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम अलोन. ओके, हाउ डू आई डू दिस? आई डोंट नो, आई वांट सर एक्शन बोलते हैं मैं कूदता हूं बट बहुत सिंपल है यार. प्लीज, हो गया हो गया, नहीं हो गया हो गया. ओवर के सवाल को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि एवर आप पिछले 30 सालों से इंडस्ट्री में हैं, चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, आपने देखा होगा कि ओवर द इयर्स कैसे सेफ्टी मेजर्स में ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन आया है. बिल्कुल. आई रिमेम्बर मैं हम लोग शूटिंग कर रहे थे और मैं रोज़ कहता था टाइगी कॉल डैड ऑन द सेट, जगुदा को बुलाओ, जगुदा को बुलाओ. एंड इज़ टू कॉल मी, बचे आग लगा दोगे, ये कर दोगे. एंड इज़ टू सेंड लोकेशन पिक्चर्स एंड इज़ टू रियली एनकरेज. एंड सेट पे कभी नहीं आए. एक दिन वो गोवा पहुँच गए एंड सडनली रूम में मैं गया तो ही केम फॉर 5 मिनट्स, ही डिडंट कम ऑन द सेट. And he just held me, hugged me, and he said, "Tiger, तुम दोनों आग लगा दोगे." And वो एक action cut मैंने दिखाया उनको, and he saw that cut and he was very scared कि Tiger ने वो किया. गाड़ी आके Tiger को एक shot लिया जिसमें गाड़ी ने Tiger को ठोक दिया है और वो screen में आप देखोगे, he is flown and he lands on the car. तो वो bang हुआ है क्योंकि वो कैमरा गाड़ी के अंदर भी लगा था एक. एंड उन्होंने वो देखा और खाली बोला, टाइगर जस्ट टेक केयर. पर ही सेड, डैड मैंने ये पहना था, सेफ्टी चीज़ें. जगुदा लोग जब करते थे तो कहाँ से जंप मारते थे और नीचे खाली बॉक्सेस होते थे, कार्डबोर्ड लगाते थे पैरों में यहाँ पे कि गिरे तो लगे नहीं. उस टाइम पे केबल वगैरह का आइडिया नहीं हुआ करता था. देयर वॉज नथिंग एज VFX. जो हीरो ने जंप मार दिया मार दिया, सबके घुटने टूट चुके हैं. बट आई कैन से टुडे द फाइट कोऑर्डिनेटर्स जो हम लाते हैं हमारे हिंदुस्तान के या बाहर के, उनकी रिगिंग और इक्विपमेंट्स इतने अच्छे हैं, विच इज़ डेफिनेटली आई कांट से 100%, 25% सेफ्टी है. बाकी आप गिरोगे अगर एक पर्टिकुलर जगह से, वो इम्पैक्ट तो इम्पैक्ट होता ही है. सो द एक्टर हैज़ टू ट्रेन हिमसेल्फ कि ही इज़ अनदर 25%. तो आई कैन से दिस 50% सेफ्टी, 50% रिस्क. पहले 5% सेफ्टी था, 95% रिस्क. So today I think we are far more better. So don't you think there should be something like a committee where if actors, if they go through an accident, they are taken care of, because we don't have that. Yeah, of course, wo hona chahiye na. Absolutely. But you know, I feel very, to add to that, I feel more for the stuntmen of our union and true. All the fighters. Kyunki jo mehnat wo karte, I don't think any of the other people do. Yeah, they put their bodies on the line every day. Aur jo izzat jo they should be getting, the respect, the recognition, matlab wo I don't think is enough for what they do. I mean, you're literally stepping out of your house, you're saying bye to your family one day, you never know if you're going to come back the very same evening. So you know, jo fighters karte, I don't think koi aisa kuch kar sakta hai industry mein. And the recognition that they get is very less. So, you know, my goal is if Baagi 2 inshallah becomes a success, inshallah, and Baagi 3 as well, if I become recognized as an action hero, then I would want to do something for all the fighters in the industry and you know, all the stuntmen, and do some sort of stunt awards, yeah, kuch to unke recognition ke liye, or something, you know, because I just feel they should get more than they deserve. Yeah.
अगर आपको कभी डैड ने एडवाइस किया कि एक्शन करते वक्त ये मत करो वो मत करो वो हमेशा टोकते रहते सर मतलब ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस आदमी है और वो खुद एक एक्टर है एक्शन फिल्में करते थे तो आई थिंक ही इज एक्सपीरियंस्ड इट दैट्स व्हाई ही इज बीन गिविंग मी अ लॉट ऑफ सेफ्टी टिप्स या एंड बट यू अंडरस्टैंड यू हैव टू गो फॉर बीपी बट वेट फॉर लाइक 5 मिनट्स ओह गॉड बोलो बोलो दिस क्वेश्चन वाज प्लीज वेट क्यूट Third time with at the home turf now. What? Are you asking me, sir? Yeah. It's Nadiyad Mala Purush. Oh, yeah, definitely, definitely. Third time and... it will be a hat-trick of hits. सर मैं अभी फिलहाल नहीं कह सकता पर बिकॉज यू नो वी बीन गेटिंग सो मच लव एंड अप्रिशिएशन फॉर आवर प्रोमोस एंड एवरीथिंग इट गिव्स अस अ सेल्फ सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस हालांकि मैं बहुत खुश हूँ और मैं जब भी साजिद सर के साथ काम करता हूँ ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ यू नो आई सेम फीलिंग आई गेट आई एम यू नो बिहाइंड दिस कैमरा आई फील लाइक आई एम इनविंसिबल सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फ्राइडे अ गुड सक्सेसफुल फ्राइडे and looking forward to our next chapter of Baagi 3. Yes, sir. Ahmed said to compare or remembered Miss Shriji with you. How do you... I can't relate to it at all. It's too much. I don't think I'm anywhere close to her. She's an icon. And he's a very, very nice, good-hearted person for saying that. He's just trying to make me feel good, but I don't think I'm anywhere close to her. Yeah, I'm saying it because I worked with her when I was 11. मैं 11 साल का था, and तभी मैंने वो legendary lady के साथ काम करके बहुत कुछ सीखा है. जब मैं बड़ा हुआ, I was an assistant. मैंने तभी काम किया हूँ, and आखिर तक I was very close to her. तो उन जैसी heroine मैंने आज तक नहीं देखी है. तो मैं कहता हूँ अगर दिशा 25% भी उनसे थोड़ा सा ले ले तो आई थिंक इट्स अ लाइफ टाइम अचीवमेंट सो आई जस्ट सेट के वो कट ऑफ और इन मैंने एक हीरोइन को करते हुए देखा था बचपन से एंड मेरी फिल्म जब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है ये भी वैसे ही कर रही है तो आई पास्ट इट नहीं तो कोई और डायरेक्टर होता तो कहता कि नहीं बी इन द सीन बी इन द सीन तो वो मुझे एक उनसे कुछ झलकी नज़र मैंने देखी थी तो वो आई अप्लाइड ऑन हर देखो टू बिगिन विद इतना बड़ा आइकॉनिक गाना है 1-2-3 वो कोई और करता तो मैं भी कमेंट कर देता ओके यू शुड सी द बिगर पिक्चर कि हमने इतना बड़ा ये उठाया है कि वी ट्राइड इट एंड कमेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव आना वही हमारा हम उसके लिए तो बैठे हैं हर टाइम यू कांट बी पॉजिटिव हम नेगेटिव भी चीज़ें आती हैं बट वॉट एवर इट इज़ आई एम हैप्पी दैट मिस्टर एन चंद्रा कॉल्ड मी ही प्रेज्ड मी एंड गणेश आचार्य माई फ्रेंड जिन्होंने कोरियोग्राफ किया सरोज जी ने इमोशनल हो गई थी हम उनके घर गए मैं और गणेश वो इतना खुश हो गई थी कि उन्होंने हमें दुआएं दी यार मुझे ये दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए द मेकर्स ऑफ द सॉन्ग जिन्होंने वो गाना सोचा जिन्होंने गाना कंसीव किया ऐसा स्टेज होगा ऐसे एक एक्टर होगी उसमें माधुरी जी ने परफॉर्म किया और चार चांद लगा दिए हमने कोशिश की 10% हम वहाँ पहुँच जाए एंड आई थिंक सो हम 25% पहुँच गए सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद वॉट एवर द आउटकम इज Great visuals. Jacqueline has done a fantastic job as a dancer in that. And Ganesh ne usse shoot waise kiya jaise humne unne kaha tha shoot karne ke liye. Ab wo jaisa bhi hoga, we are ready to take everything. Thank you. 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 बट वो था ही नहीं कि यार हम इनको भी दिखा के पब्लिसिटी लेंगे उनको भी दिखा के पब्लिसिटी लेंगे वो माधुरी जी 1-2-3 गर्ल थी और वो ता उम्र रहेंगी उसके बाद 10 लड़कियां करेंगी हमने कोशिश की नई मोहिनी दे दो जैकलिन के रूप में जो मॉडर्न लोग को यूथ को पसंद आए और टाइट बॉडी रिप्ड एब्स एंड शी इज़ डन इट ऑल एंड शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस बट बोला बागी टीम
अभी तीन बाकी थर्ड टाइगर जॉब देंगे अरे क्या बोला दैट बी द लास्ट क्वेश्चन कंफर्म कीजिए बाकी कंफर्म है साइन कर दिया प्रोड्यूसर ने भाग भी नहीं सकते और ना प्रोड्यूसर को भागने देंगे थैंक यू गाइस Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai. इस पर कुछ रोशनी डालिए रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं तो ये एक हिंदी वर्जन है तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे हाँ जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस